हरे कृष्णा श्री व्रजमंडल परिक्रमा की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए हमारी परिक्रमा धीरे धीरे पहुंच रही है सबसे पवित्र स्थान श्री श्री राधा कुंड की तरफ। देखिए कल हम लोगों ने परिक्रमा की, हम गरुड़ गोविंद जी के दर्शन तक आ गए, जो शटिकरा एक स्थान है वहां पे हम गरुड़ गोविंद जी के दर्शन लिए और उससे पहले बहुला वन के दर्शन लिए। जैसे ही शटिकरा से आगे निकलते हैं तो ये एक स्थान है जो आप सामने देख रहे हैं, जिस चित्र लगाया है ये गांव का है जिसका नाम है मघहेरा, जिसके आजकल मघेरा भी बोलते हैं, मघहेरा या मघेरा। जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा लेने के लिए आए तो बोलते हैं वहां के भक्त लोग वो इतना पीड़ित हो गए कि उनके लिए प्राण त्यागना आसान है लेकिन कृष्ण से दूर होना आसान नहीं है। बोलते हैं ये वही गांव है, ये वही स्थान है जहां से जब अक्रूर जी का रथ निकल रहा था और उस पे कृष्ण और बलराम विराजमान थे। जैसे हमने आपको अक्रूर घाट पे कथा बताई थी कि अक्रूर जब भी मथुरा जा रहे थे, रास्ते में जब स्नान इत्यादि किया तो वो घाट था। ये वो स्थान है जब अक्रूर जी का रथ यहां से निकला तो सारी की सारी गोपियां, काफी सारी गोपियां तो अपने शरीर को रथ के सामने फेंक रही थी क्योंकि उनसे सहन नहीं हो रहा था। बोले कृष्ण से विरह इतना दुखमय है, उससे अच्छा तो मृत्यु आ जाए। तो सारी की सारी गोपियां इधर उधर गिर रही थी, सारे के व्रजवासी उनसे विरह सहन नहीं हो रहा था। इस दिन के बाद व्रजवासी इस दिन तक इससे पहले श्री कृष्ण से मिलन का आनंद ले रहे थे, इस कृष्ण दिन के बाद एक व्रज में अलग भाव प्रकट होगा, एक अलग भाव उत्पन्न होगा जिसे बोलते हैं विप्रलंब भाव, जिसमें सभी व्रजवासी सभी गोपियां भगवान से विरह के एक प्रकार के दुख में एक भाव में डूब जाएंगे और इतनी गहराई से डूब जाएंगे जिसका वर्णन भागवतम में बड़े ही गहराई से किया गया है। लेकिन यहाँ पे मघहेरा क्यों बोलते हैं इस गांव को, क्योंकि जैसे ही वो गोपियां पीछे भाग रही थी और बोलते हैं एक समय तक भागते 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 इस गांव तक आई और यहीं पे गिर गई और बोलते हैं लगातार रथ की दिशा में कॉन्टिन्यूस नजरें बिठाई बैठी रही और उनकी नजरें ऐसे फिक्स हो गई, ऐसे टकटकी लगाई, कॉन्टिन्यूस देख रही थी उस जगह पे, बोलते हैं स्तब्ध हो गई, पत्थर की बन गई और उनकी आंखें झपक भी नहीं रही थी और कृष्ण को देख रही थी लगातार और कृष्ण के रथ को देख रही थी। यहां तक कि रथ बहुत दूर चला गया, सारी की सारी जो रथ से उड़ने वाली धूल है वो भी शांत हो गई, लेकिन फिर भी यहां गोपियां और जो भक्त थे वो लगातार उस दिशा में देखते रहे, एक पत्थर बन के बिना आंख झपकाए। और इस मघहेरा शब्द का मतलब है कि टू कॉन्टिन्यूसली स्टेयर इन वन डायरेक्शन डाउन द रोड, मार्ग पे इस प्रकार लगातार एक ही दिशा में देखते रहना, तो इसलिए इसका नाम मघहेरा हो गया। इसके बाद एक गांव आता है जिसको बोलते हैं राय। उस गांव के कहीं नाम हैं रावला, राय, राई, रार, राल, कई नाम से बोलते हैं लेकिन एक्चुअली उसका मेन मतलब क्या है, श्रीमती राधा रानी का गांव, क्योंकि तो राय का मतलब है रानी और पूरे व्रज की तो एक ही रानी है श्रीमती राधा रानी, तो उनके नाम से ये गांव है। पद्म पुराण में बोला है राय का नाम रावला भी बोला गया है और ये वृंदावन के एक उपवन में से एक है। जैसे हमने बताया 12 प्रमुख वन है और कुछ उपवन है, तो ये उनमें से एक है और ये वो स्थान है जहां पे श्रीमती राधा रानी ने अपने बचपन की कई लीलाएं की। जैसा हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल से छटिकरा आ गए और फिर उसके बाद नंदगांव गए, ऐसे ही गोकुल के पास जो राधा रानी का जन्म स्थान है रावल, जैसे गोकुल कृष्ण का जन्म स्थान हुआ एक, वहां पे उन्होंने बाल्य लीला करी,
श्रीमती राधा रानी रावल में रही। तो जैसे ही वो गोकुल से छटिकरा शिफ्ट हो गए नंद महाराज, तो श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज रावल से एक स्थान है वसती, इसके बाद में एक गांव आएगा वसती, वहां पे शिफ्ट हो गए। तो ये लोग छटिकरा रहने लगे नंदगांव, और वृषभानु महाराज वसती में रहने लगे। वसती का मतलब है वसती स्थापना। जब वृषभानु महाराज इस स्थान, जैसे ही उस स्थान पे आए, बोले हम यहां अपना वास स्थापित करेंगे, वसती स्थापना, इसलिए उस गांव का नाम हो गया वसती। तो एक है छटिकरा, एक है वसती। और छटिकरा से अगर पश्चिम दिशा में जाएंगे राय की तक, तो छटिकरा से राय तक जितना स्थान है वो नंद महाराज का जो कैंप था वो लगा, और वसती से पश्चिम पूर्व दिशा में जाएंगे ईस्टवर्ड्स, तो उस दिशा में जो स्थान हुआ राय तक, वहां पे राधा रानी का कैंप लगा। तो राय यानी मर्जिंग पॉइंट हो गया। और राय में वृषभानु महाराज के बहुत सारे रिश्तेदार रहते थे। वृषभानु महाराज राधा रानी के पिता हुए, तो राधा रानी के पिता की तरफ के जो रिश्तेदार थे वो इस राय गांव में रहते थे, और इसीलिए श्री राधा रानी का बहुत सारी बचपन की लीला रावल में तो हुई, उसके बाद वसती गांव में और राय में भी काफी लीलाएं हुई, इससे पहले कि वो यहां से शिफ्ट होके बाद में बरसाना चले जाए। तो इस प्रकार से लीलाएं हैं। और तो ये राय गांव है, राय के साथ जैसे हमने बता दिया वसती गांव है, और वसती में एक सुंदर वसती कुंड भी है, और इस गांव में एक कुंड भी है, और इस वसती गांव में एक बड़ा राज कदंब वृक्ष भी है जिसपे राधा रानी के मुकुट का निशान है, और साथ ही साथ एक वसंत कुंड है। वसती में श्री राधा और कृष्ण की वसंत लीला हुई, और वो वसंत लीला इतनी सुंदर थी, धीरे धीरे वसती गांव का नाम वसंती हो गया, और वहां से धीरे धीरे आजकल लोग उनको बसंती भी बोलते हैं। तो ये कुछ लीलाएं हैं हम देख रहे हैं। पहला गांव मगहेरा, जहां सब लोग एक नजर लगाए देख रहे थे। दूसरा है राय, जहां भगवान, जहां श्रीमती राधा रानी की बाल्य लीला खेल कूद बहुत हुआ, बचपन का खेल हुआ इधर। और उसके बाद वसती एक गांव है जहां पे वृषभानु महाराज का कैंप लगा, और वहां पे दो चीज देखने को मिलेंगी हमको, राज कदंब वृक्ष और एक वसती कुंड। उसके बाद ये जो कुंड देख रहे हैं ये एक गांव है मुखराई। क्या नाम बोले? मुखराई, क्योंकि मुखरा देवी जो थी वो राधा रानी की नानी हुई, यानी कीर्तिदा देवी की माता जी। तो अगर इस गांव में जाएंगे मुखराई में, तो यहाँ पे आपको श्रीमती राधा रानी, उनकी माता कीर्तिदा और उनके नानी जो मुखरा देवी हैं, उनका एक मंदिर मिलेगा। और बोलते हैं ये वो स्थान है जो मुखरा देवी का गांव है। तो मुखरा देवी का एक बहुत विशेष बात थी, वो हर रोज सुबह श्री राधा कृष्ण के दर्शन करने जरूर जाती थी, और ऐसा आयोजन करती थी कैसे राधा कृष्ण का मिलन हो सके और अद्भुत लीला हो सके। तो ये उनका अद्भुत योगदान था। और यहाँ पे एक भजन शिला मिलेगी, जिस भजन शिला एक चट्टान है जो अंदर से हॉलो है, अंदर से खोखली करेंगे तो जिसको आवाज करेंगे बड़ी सुंदर घंटनी बजने की आवाज आती है, तो ऐसे उसे भजन शिला के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। तो ये मुखराई गांव है। अभी इसी मार्ग से आते हुए देखिए गिरिराज की बहुत सुंदर परिक्रमा है, लेकिन क्योंकि हम इस मार्ग से आ रहे हैं तो सबसे पहले हम पूरे विश्व के सबसे प्रसिद्ध स्थान श्री राधा कुंड में प्रवेश करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, षड गोस्वामियों की कृपा से, और सभी आचार्यों और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम कुछ प्रयास करेंगे श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड का वर्णन करने का। जो लीलाएं हमने सुनी है, श्रवण किया है, उन सबका लीला का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो हम देख रहे हैं सामने श्री राधा कुंड के दर्शन, और कहीं कहीं दृष्टिकोण से हम ये दर्शन देख रहे हैं। तो इन पे बात करते हुए, तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पवित्र तीर्थ स्थान श्री वृंदावन धाम है। और जैसे हम बात किए श्री वृंदावन धाम यानी गोवर्धन भी आ गए, नंदगांव भी आ गए, बहुत वास्ट फैला हुआ है, और बोले पूरे वृंदावन में सबसे पवित्र श्री गिरिराज गोवर्धन है।
और श्री गिरिराज गोवर्धन में सबसे पवित्र स्थान श्याम कुंड, राधा कुंड और विशेष रूप से श्री राधा कुंड सबसे पवित्र स्थान है। श्री राधा कुंड वो स्थान है जहां श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की मिलन की बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हुई। यहां तक कि राधा कुंड एक विशेष स्थान है भगवान की अष्टकालीय लीला का। और श्री राधा कुंड पवित्र स्थान पे बोलते हैं नारायण भट्ट जी ने 6 रास मंडलों की स्थापना करी। और जैसे हम बात कर रहे हैं प्रमुख वनों की और उपवनों की, तो पुराणों में ऐसा कहा गया है कि राधा कुंड एक बहुत महत्वपूर्ण उपवन है जिनका नाम श्री वन भी है, श्री यानी श्रीमती राधा रानी। जब श्री कृष्ण का यहां पे हम देख रहे हैं राधा कुंड के दर्शन और श्याम कुंड के दर्शन, जब जिस समय श्री महाराज श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, उसके बाद हम जानते हैं वज्रनाभ महाराज ने कहीं सारे पवित्र तीर्थों की स्थापना करी और वृंदावन को अच्छे से डेवलप किया। उस समय वज्रनाभ महाराज ने राधा कुंड और श्याम कुंड की भी स्थापना करी और बहुत सुंदर घाट बनवाए थे 5000 वर्ष पूर्व। लेकिन समय बीतता गया और समय के साथ साथ ये कुंड एक तरह से निग्लेक्ट हो गए, उनकी अवहेलना हो गई, देखा नहीं गया, सेवा नहीं हुई, और उसकी वजह से ये कुंड पूर्ण रूप से ढक गए। और पूर्ण रूप से ढकने की वजह से किसी को मालूम नहीं था कि ये पवित्र कुंड किधर है। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 1515 में जब यहाँ पे आए वृंदावन यात्रा में और 12 वनों का भ्रमण कर रहे थे, उस समय उन्होंने स्वयं बताया कि राधा कुंड और श्याम कुंड किधर है। किसी को मालूम भी नहीं था कि ये दो पवित्र स्थान कहाँ है। तो आज जो वृंदावन यात्रा करते हैं और पूरी दुनिया से लोग आते हैं और राधा कुंड के दर्शन करते हैं, भूलना नहीं चाहिए कि राधा कुंड किसी को मालूम नहीं था वृंदावन में। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हम जानते हैं राधा कुंड की महिमा क्या है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन से चले गए, उन्होंने गोस्वामियों को बोला कि राधा कुंड की अच्छे से स्थापना कीजिए, हमने बता तो दिया है कहाँ पे है, अभी उसको डेवलप आप कर दीजिए, आपकी सेवा है ये। तो इस प्रकार से गोस्वामियों ने राधा कुंड की पुनर्स्थापना की और सभी तीर्थ स्थानों की स्थापना की राधा कुंड के आसपास। इस पवित्र क्षेत्र में बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, उनकी स्थापना करी। तो हम यहाँ बहुत सुंदर राधा कुंड के दर्शन कर रहे हैं। श्री राधा कुंड के प्राकट्य की कथा कुछ इस प्रकार से आती है। जैसे हम जानते हैं कि कंस ने कहीं असुरों को वृंदावन में गोवर्धन में भेजा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। शुरू में तो कंस को मालूम नहीं था देवकी का 8वां पुत्र कौन है, लेकिन जैसे जैसे कंस ने कृष्ण की शक्तियों के बारे में सुना, वो समझ गई यही 8वां पुत्र है जो मुझे मारने के लिए जन्मा है। तो कहीं असुरों को भेजा, उनमें से एक असुर था जो एक विशाल बैल के रूप में आया जिसका नाम अरिष्टासुर। अरिष्टासुर का जो काया थी, शरीर था, इतना बड़ा था एक पर्वत के समान, और वो गोवर्धन के एरिया में घूम रहा था और व्रजवासियों को बहुत तकलीफ दे रहा था, बहुत पीड़ा दे रहा था, आतंक मचा दिया था। कृष्ण को मालूम चला, भगवान रुक नहीं पाए, भगवान भागते हुए वहां पे आ गए। और जैसे ही भगवान वहां पे आ गए, भगवान ने अरिष्टासुर का सामना किया। अरिष्टासुर ने जैसे ही कृष्ण को देख गया, समझ गया यही शक्ति है वो जिसका सामना करने में आया हूं। अरिष्टासुर भागता हुआ कृष्ण पे प्रहार किया। जब अरिष्टासुर भाग रहा था, उसकी काया का वर्णन किया है, एक बड़े पर्वत के समान था और उसकी पूंछ ऐसी ऊपर उठी बादलों को छू रही थी मानो, और जब वो आवाज निकाल रहा था और सांस ले रहा था, मानो एक बहुत ही उबलते पानी से कैसे भाप छूटती है, ऐसी भाप उसके नासिकाओं से प्रकट हो रही थी। और इतनी जोर से भागता आया, इतनी जोर से कृष्ण की तरफ भागता आया, पृथ्वी में जगह जगह पे अपने पांव से जगह जगह बहुत बड़े गड्ढे करता आया। और जैसे ही वो कृष्ण के पास पहुंचा, कृष्ण ने बड़ी आसानी से इतने बड़े पर्वत जैसे अरिष्टासुर को उसके सींगों से पकड़ा और उसे घुमाया, और ऐसा घुमाया उसको, और उसको 100 मीटर दूर बहुत आसानी से फेंक दिया जैसे कोई छोटी सी गेंद हो। अरिष्टासुर ने कभी जिंदगी में ऐसी शक्ति देखी नहीं थी, छोटा सा बालक और ऐसी शक्ति 100 मीटर दूर। पूर्ण रूप से वो डिसऑरिएंटेड हो गया, उसे दिशाओं का ज्ञान ही नहीं रहा, पसीना पसीना हो गया, अपना सर हिलाने लगा जोर से,
और हिम्मत इकट्ठा करते हुए फिर से कृष्ण की तरफ आया। श्री कृष्ण के जस्ट नजदीक ही था तभी कृष्ण ने फिर से उसके सींगों से पकड़ा और उसको जो अपने सर के ऊपर घुमाया 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 और दे जमीन पे जोर से मारा। उस राक्षस की आंखें बाहर आ गई, राक्षस की आंखें बाहर आ गई, वहीं पे मल मूत्र त्याग दिया, उसके हाथ पांव सब कांपने लगे और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। और श्री कृष्ण भगवान की जय। एक चीज हम सीख सकते हैं इस बात से, इस जगत में कोई समस्या कितनी ही बड़ी हो, देखिए जब अरिष्टासुर आया था तो एक पर्वत के समान दिख रहा था, उसकी पूंछ सोचो ना बादलों को छू रही थी। ऐसा विशाल व्यक्ति व्रज में आया तो कितना भय, वहां पे सब लोग कितने भयभीत हो गए रहेंगे। लेकिन जिसने कृष्ण का आश्रय लिया है, श्री कृष्ण का आश्रय लेने की कला जो जानता है, उसके लिए पर्वत जैसी समस्याएं भी बहुत तुच्छ हो जाती हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराहट वहां होती है जहां कृष्ण भक्ति नहीं है। जहां कृष्ण भक्ति होती है वह घबराहट नहीं, पूर्ण कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आपने आश्रय लिया है सबसे बड़ी शक्ति का। अरिष्टासुर को तो मार दिया, सारे व्रजवासी कृष्ण को कॉन्ग्रेचुलेट करने आए, बोले वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जय 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 जय, उनकी जय जय कार करने आए। तभी श्रीमती राधा रानी और गोपियों ने देखा थोड़ा अभी कृष्ण के साथ मजा लेने का, थोड़ा मजाक करने का मौका है। राधा रानी और गोपियां पहुंच गई, बोले तुमने बैल को मारा है और एक बैल तो धर्म का प्रतीक है। कृष्ण ने बोला अरे वो असुर था। बोले जो भी हो, रूप तो उसका धर्म का था। अभी क्या करना पड़ेगा, आपको सभी तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर के पांव से बना हुआ जो गड्ढे थे उसमें से सबसे बड़ा गड्ढा ढूंढा और श्री कृष्ण ने उसको और बड़ा किया। अपने चरणों के प्रभाव से, अपनी हील के प्रभाव से, अपनी एड़ी के प्रभाव से उसको और गहरा करते गए और तभी श्री कृष्ण ने सारे पवित्र तीर्थों को वहां बुलाया और बोले इसको भर दो, मैं स्नान करना चाहता हूं। और वहीं का वहीं सब गोपियां देखती रह गई, इतना सुंदर वो तीर्थ बन गया, उसकी सुंदरता और उसकी पवित्रता, एक भी तीर्थ नहीं था जिसने उस जगह को ना भरा हो। और बहुत ही सुंदर कुंड बन गया। सुंदरता और पवित्रता को देख के श्री राधा और श्री सब गोपियां देख रही हैं, उनको मालूम नहीं अभी क्या बोलना है, ये तो भारी पड़ गया अपने को ही। हमने बोला था हम उनको समस्या में डालना चाहते थे, उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखा दिया, हम देखती रह गई। और श्री कृष्ण भी ऐसी डींगे मारने लगे, बोले देखो हम क्या कर दिया। तभी श्री राधा रानी ने गोपियों को बोला हम भी अपना कुंड बनाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी ने सबने अपने अपने कंगन लिए और कंगनों से खोदने लगे और पूरा एक बड़ा कुंड बनाने लगे। वो मेहनत करते 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 काफी देर हो गई और अर्धरात्रि का समय था। आधी रात्रि को जब भी गोपियों ने पूरा कुंड समाप्त किया और एक चेन बनाई थी पूरी, एक गोपी से दूसरी गोपी से तीसरी गोपी, राधा कुंड से मानसी गंगा तक, और मानसी गंगा से जल लेके आ रही थी कि इसको भरेंगी। तभी जितने भी पवित्र तीर्थ श्री कृष्ण के कुंड की सेवा में आए थे वो श्री राधा रानी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले हमें आपका सेवा का मौका दीजिए, आप करुणामयी हैं, दयालु हैं, परम करुणामयी हैं, कृपया हमें सेवा दीजिए, हम सारे जल से आपके कुंड को भर दें। और तभी सभी तीर्थों ने इस कुंड को भर दिया। तो श्री राधा रानी का जो ये पवित्र कुंड है, श्री श्री राधा कुंड, इनको भरने के बाद श्री कृष्ण स्वयं आधी रात्रि के समय इस कुंड में आके स्नान किए और घोषणा कर दिए, जो भी श्री राधा कुंड में स्नान करेगा उसका प्रेम श्री राधा रानी के प्रति उतना ही गहरा हो जाएगा जितना मेरा श्री कृष्ण का स्वयं है। तभी श्रीमती राधा रानी श्याम कुंड, जो कृष्ण ने कुंड बनाया था, वहां पे गई और घोषणा करी आज से इनका नाम कृष्ण कुंड होगा। और वहां स्नान करते हुए बोली जो भी यहाँ पूर्ण श्रद्धा से भक्ति से स्नान करेगा उसको कृष्ण के प्रति परम प्रेम प्राप्त होगा। तो ये लीला को स्मरण करते हुए आज भी जब राधा कुंड का प्राकट्य दिवस होता है जो कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तो कार्तिक इस अवसर को बोलते हैं बहुलाष्टमी। और कार्तिक में जो बहुलाष्टमी को स्नान करता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को स्नान करता है आधी रात्रि,
तो अर्धरात्रि को, तो जनरली कोई भी तीर्थ में अर्धरात्रि को उत्सव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे स्नान उत्सव अर्धरात्रि को होता है। और जो यहाँ स्नान करता है वो भगवान को बहुत बहुत प्रिय हो जाता है। ये महिमा है श्री राधा कुंड और श्याम कुंड की। और इसीलिए श्री राधा कुंड को पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पवित्र तीर्थ स्थल बोला गया है। ऐसा वर्णन श्रीपाद रूप गोस्वामी ने अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में बताया है। इसके साथ ही बहुलाष्टमी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद राधा कुंड में, श्री राधा कुंड में स्नान की महिमा के बारे में आचार्यों ने बताया है। आचार्यों ने बताया है बहुत आध्यात्मिक लाभ, बड़ा ही उत्तम आध्यात्मिक लाभ मिलता है अगर एक बार भी राधा कुंड में स्नान कर लिया जाए। उसका कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आचार्य बताते हैं, श्री कृष्ण ने बोला था राधा कुंड में स्नान करने वाले व्यक्ति को योग्यता होनी चाहिए, बहुत ही गहरा फेथ और डिवोशन होनी चाहिए, बहुत ही श्रद्धा और गहरी भक्ति होनी चाहिए। और ऐसी गहरी भक्ति और श्रद्धा किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती जब तक उसने बहुत लंबे समय तक साधना करके, श्री गुरु का सेवा इत्यादि करके श्री गुरु की कृपा प्राप्त नहीं की है। ऐसा नहीं कि कोई भी पापी व्यक्ति पाप में मग्न है, उसका मन पूर्ण रूप से माया में लगा हुआ है और श्री राधा कुंड में स्नान करके कुछ अद्भुत कृपा मिलने वाली है। इससे क्या होगा, लोग श्री राधा कुंड को बहुत चीपली लेने लगेंगे। उन्होंने बोला फेथ एंड डिवोशन, बहुत श्रद्धा और गहरी भक्ति होनी चाहिए। वर्णन तो बड़ा सुंदर किया है, हम कुछ शास्त्रों में से पढ़ के बताएंगे। राधा कुंड अष्टकम जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखी है, उन्होंने बोला एक बार भी कोई राधा कुंड में स्नान कर ले तो उनको भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। आगे जाके लिखा है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में कि जो भी श्री राधा कुंड में स्नान करते हैं श्री कृष्ण उसको उसी क्षण शुद्ध भक्ति भाव प्रेम दे देते हैं। बोले अगर कोई भक्त एक बार भी राधा कुंड में सही भक्ति भाव से स्नान करता है तो उपदेशामृत में ऐसा बताया गया है कि वो व्यक्ति को तत्क्षण ही श्री कृष्ण के प्रति वैसा प्रेम मिल जाएगा जैसा गोपियों को हुआ करता है। और आगे जाके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा लिखते हैं कि क्योंकि राधा कुंड और श्याम कुंड क्या है, श्री राधा और कृष्ण के प्रेम के रूप है। जो वहां स्नान करता है बहुत भाग्यशाली है, उनका स्नान मानो कृष्ण और राधा, श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम, अमृतमय प्रेम में स्नान के समान है। अभी देखिए इतना सब लाभ बोल के, इतने सब बेनिफिट्स, फायदे, इतनी सब स्तुति बोलने के बाद श्री राधा कुंड की, उसके बाद बहुत सारी चेतावनी भी दी रहे हैं। बोले यार राधा कुंड में स्नान का एक बहुत उत्तम समय है बहुलाष्टमी, लेकिन जब भी स्नान करें, बहुलाष्टमी में करें या दूसरे समय जाएं, व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए कि कोई अपराध ना कर बैठे। बोलते हैं श्री राधा कुंड इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ राधा रानी लव। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जब भी लिखे गए भक्तों को राधा कुंड में, तो बोलते हैं जो व्यक्ति भक्ति में रघुनाथ दास गोस्वामी के स्तर पे है, जिनके बारे में हम आगे चल के सुनेंगे, जो रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पे हैं, उन्हीं को राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, बाकी लोग को दूर रहना चाहिए। बोले रघुनाथ दास गोस्वामी की बहुत ही इंटेंस भक्ति, जो पूर्ण दिन वैष्णव को और भगवान को हजारों बार दंडवत प्रणाम करने में बिता देते हैं, पूरा दिन भगवान का नाम जप करने में लगा देते हैं, दो तीन दिन में एक बार कुछ खाते थे, ऐसा सेवा भाव, उनकी जो प्रतिज्ञाएं थी भक्ति की वो पत्थर की लकीर की तरह। तो इनका वर्णन इस प्रकार से किया है, जिनके अंदर ऐसी नम्रता और ऐसा सेवा भाव, उनके चरण कमलों, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए फिर हम योग्य हैं श्री राधा कुंड में स्नान करने के लिए। बोले राधा कुंड में स्नान मानो एक यज्ञ भेंट है श्री राधा रानी के चरणों में। देखिए अलग अलग भावनाएं देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से श्री राधा कुंड के स्नान को देखना चाहिए। बोले श्री राधा कुंड का जो स्नान है वो भेंट ही नहीं है, एक प्रकार की विग्रह उपासना है, मानो राधा और कृष्ण के विग्रह की पूजा कर रहे हैं।
यहां तक बोलते हैं राधा कुंड में स्नान करते हुए कुछ भक्त तो सोचते हैं हम अपने पांव कैसे रखें अंदर, वो घुटनों के बल रेंगते हुए जाते हैं। या दूसरा तरीका है अपने राइट हैंड से पहले जल लेके अपने शीश पे धारण कीजिए उसके बाद प्रवेश कीजिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं प्रवेश ही नहीं करते, उधर से कमंडलों में जल लेके अपने ऊपर धारण करते हैं। इतने सतर्क रहते हैं कि अपराध नहीं होना चाहिए। और कई बार तो प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं कि कुछ भक्त जाके वहां पे खेल रहे थे राधा कुंड में, प्रभुपाद जी ने बोला आप ऐसा कूद रहे हैं, ऐसे करेंगे तो अपराध करके आप बंदर बनेंगे। अरे ये साक्षात श्री राधा रानी का रूप है, इन कभी आप सोच सकते हैं राधा रानी के ऊपर ऐसा जंप करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने कुछ शिष्यों को इस प्रकार से बहुत डांटा, बहुत क्रोधित किया। और एक बार बोलते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1000 शिष्यों का परिक्रमा पार्टी लेके आए, लेकिन किसी को स्नान करने नहीं दिया। बोले तीन बूंद जल ले लो और अपने सिर्फ शीश पे धारण कर लीजिए, वो आपका स्नान के समान हो जाएगा। विशेष बात है श्री राधा रानी के चरणों में उनके रूप के प्रति अत्यधिक सम्मान रखिए, ये श्री राधा रानी के रूप के समान है, इट इज इक्वल टू श्री राधा रानी। तो इस प्रकार से आचार्यों ने बहुत सतर्कता दी है और बोला है अपराध से बच के रहना और इस स्नान को कोई एक मामूली तालाब में स्नान मत समझ लेना, ये पूरे विश्व का सबसे उत्तम स्थान है और जिनको गुरु का वैष्णव का आशीर्वाद है वही यहाँ पे स्नान करने के अधिकारी हैं। नहीं तो तीन बूंद जल भी धारण किया अपने शरीर पे तो वो व्यक्ति को भी उतना ही लाभ मिलता है जितना स्नान करके लाभ मिलता है। तो ऐसी सुंदर कथा है और अपराधों के बारे में चेतावनी है जब हम श्री राधा कुंड में श्याम कुंड में स्नान की बात करते हैं। तो अभी हम श्री राधा कुंड की परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। राधा कुंड के परिक्रमा क्षेत्र में बहुत सारे सुंदर सुंदर पवित्र स्थान हैं, विशेष रूप से बहुत सारे महान भक्तों की, महान संतों की समाधियां हैं, उनकी भजन कुटीर है, उनका दर्शन करेंगे ताकि उनकी कृपा से हम श्री राधा कुंड की कृपा प्राप्त कर सकें। बोलते हैं जब परिक्रमा करते हैं, क्योंकि ये मानसिक परिक्रमा है, तो पहले हम श्री राधा कुंड के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे दंडवत प्रणाम कीजिए और ऐसा ध्यान लगाइए। बोलते हैं कहीं तरीका है प्रणाम करने का, प्रणाम करते समय राधा कुंड के प्रति बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं उनको गा सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम तरीका जो आचार्यों ने बताया है, तीन बूंद जल लीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए, आचमन करते हुए श्री राधा कुंड के जल से वहां पे प्रणाम कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के साथ, क्योंकि ये कीर्तन जो है सभी अपराधों से हमारी रक्षा करता है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस परिक्रमा मार्ग में हम विशेष रूप से 7 गोस्वामी मंदिरों के बारे में सुनेंगे। जैसे हमने बताया वृंदावन में जो प्राचीन 6 गोस्वामी मंदिर जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका वर्णन हम वृंदावन परिक्रमा में कर चुके हैं, उनका वर्णन करते हुए हम ये बताना चाहेंगे कि जब औरंगजेब ने अटैक किया था तो उन वृंदावन के विग्रह जो ओरिजिनल विग्रह थे उनको राधा कुंड के जल में छुपाया गया था और राधा कुंड के जल से बाहर निकाला जब सारा का सारा डेंजर खतरा कम हो गया और उसके बाद राधा कुंड के निवासियों ने कुछ समय तक उन विग्रहों की सेवा करी। जब यहां से विग्रह जाने वाले थे, क्योंकि योजना बनाई थी जयपुर लेके जाने की, यहां से विग्रह जाने वाले थे तो यहां से काम्यवन गए, फिर काम्यवन से जयपुर गए। तो यहां से चले गए तो यहाँ के भक्तों को बहुत विरह हुआ, पीड़ा हुई, क्योंकि एक सेवा करने का मौका मिला और फिर सेवा हाथ से निकल गई, वो अच्छा नहीं लगा। तो सब भक्तों ने बिल्कुल वैसे ही जैसे वो विग्रह थे ओरिजिनल, बिल्कुल वैसे के वैसे ही प्रतिभू मूर्तियां बना दी, काइंड ऑफ रेप्लिकास, डुप्लीकेट, बिल्कुल वैसे के वैसे ही, और उनकी स्थापना करी, प्राण प्रतिष्ठा की और यहाँ सेवा इत्यादि शुरू करी। इसीलिए हम देखते हैं सनातन गोस्वामी के राधा मदन मोहन मंदिर यहाँ मिलेंगे आपको, रूप गोस्वामी के गोविंद जी मंदिर मिलेंगे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के राधा रमन मंदिर भी हैं, जीव गोस्वामी के दामोदर मंदिर भी हैं,
श्यामानंद पंडित के श्राद्धा श्याम सुंदर भी हैं, लोकनाथ गोस्वामी के गोकुलानंद जी भी हैं और मधु पंडित के गोपीनाथ भगवान भी हैं। और इनके अलावा और तीन प्रतिभू मूर्तियां हैं यहाँ पे, लोकनाथ गोस्वामी के राधा विनोद जिनके दर्शन वृंदावन में किए थे हमने, जयदेव गोस्वामी के राधा माधव और वक्रेश्वर पंडित के राधा कांत। अभी जो एक कथा नया सुन रहे हैं वो बोल रहे हैं ये तो बहुत सारे नाम है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन इनका चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये विग्रहों की सेवा बहुत बड़े बड़े महान भक्तों ने की है। तो देखिए, कृष्ण तो सभी विग्रहों में विराजमान है, लेकिन किसी भक्त की भक्ति देख के उनका रेसिप्रोकेशन उतना बढ़ जाता है। जितनी ज्यादा भक्ति उतना भगवान का ऐश्वर्य और भगवान की शक्ति और भगवान की मधुरता विग्रह के द्वारा या विग्रह के रूप में प्रकट होती है। तो इसलिए ये विग्रह बहुत महान है, क्योंकि महान महान भक्तों ने अपने हाथों से इनकी पूजा सेवा इत्यादि संपन्न की है। जब भी हम परिक्रमा शुरू करते हैं श्री राधा कुंड की, तो सबसे पहले अभी हम थोड़ा दर्शन करते हैं और जो श्री राधा कुंड के हमने बहुत सारे दर्शन किए, अलग अलग क्षेत्र से देख रहे हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे हमें श्याम कुंड के दर्शन हो रहे हैं, उस साइड पे राधा कुंड है और श्याम कुंड भी है इस साइड पे, और ये श्याम कुंड के दर्शन नजदीक से हो रहे हैं। फिर से आप श्री राधा कुंड के दर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब परिक्रमा शुरू करते हैं तो परिक्रमा में सबसे पहले आते हैं कुंडेश्वर महादेव। सबसे पहले व्यक्ति को महादेव को प्रणाम करना चाहिए, कि महादेव को बोला गया है वैष्णवानाम यथा शंभु। सबसे महान वैष्णव श्री कृष्ण के भक्त हैं वो महादेव श्री शिव जी हैं। उनका आशीर्वाद लेते हुए हम परिक्रमा शुरू करते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड की। कुंडेश्वर महादेव जो है सामने देख रहे हैं हम, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है राधा कुंड का, और कुंड के जो चार क्षेत्र के रक्षक हैं उनमें से एक रक्षक माने जाते हैं, जो कि राधा कुंड के दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा इन द सदर्न पार्ट ही इज देयर, और ये इस धाम की रक्षा करते हैं। क्षेत्रपाल, क्षेत्र यानी धाम उसका एरिया, और पाल मतलब रक्षक, प्रोटेक्ट करने वाले। राधा कुंड के दूसरे रक्षक कौन है? रामेश्वर भी हैं जो कि पूर्व दिशा में है, महादेव भी नाम के मंदिर हैं जो उत्तर दिशा में है, और बनखंडी महादेव हैं जो पश्चिम दिशा में है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध ये कुंडेश्वर महादेव हैं। तो कुंडेश्वर महादेव साउथ में, और हम देख रहे हैं पूर्व में रामेश्वर भगवान है और महादेव नॉर्थ में है, और बनखंडी जो है पश्चिम दिशा में है। जब श्री वृंदावन में रासलीला संपन्न हुई, तो रासलीला हुई तो श्री भगवान शिव यहाँ पे एक गोपी के रूप में आए, और उस समय कृष्ण ने बोलते हैं उनको नाम दिया था गोपीश्वर, और उनको बोला आप गोपियों की रक्षा कीजिए और धाम की रक्षा कीजिए। तो ये जो लीला हम पहले चर्चा कर चुके हैं कैसे भगवान शिव गोपी के रूप में आए थे, तो ये लीला जगह जगह पे चर्चा होती है कि भगवान शिव के, भगवान कृष्ण के कहीं जगह पे रास मंडल है, रासलीला के स्थान है। जैसे कुछ समय पहले ही हमने बताया आपको वसती नामक स्थान जहां पे वसंत ऋतु की रासलीला संपन्न हुई। तो ये कुंडेश्वर महादेव, आइए इनके चरणों में प्रणाम करते हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, इससे पहले हम आगे के स्थानों पे चलें और राधा कुंड की परिक्रमा में और दर्शन करें। इनके बाद हम आते हैं, एक पुराना मंदिर है राधा कृष्ण पुराना मंदिर बोलते हैं यहाँ सबसे पहला मंदिर हुआ जो स्थापना हुई जिसकी यहाँ पे। तो हुआ क्या, जब भी श्री राधा कुंड में जब भी स्थापना करी गई गोस्वामियों के निर्देशन में, विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी के निर्देशन में राधा कुंड की स्थापना, उनका उद्घाटन किया गया, पूरा कुंड बनाया गया, एक्सकवेशन किया गया, खोद के अच्छे से बनाया, तो उस समय वहां पे उनको एक बहुत विशेष राधा और कृष्ण के विग्रह मिले जो राधा कुंड में से ही मिले। इसीलिए उस समय लोकल ब्रजवासी जो थे, भक्त थे, वो उन विग्रहों को राधा कुंड के विशेष अधिष्ठाता देवता के रूप में पूजा करने लगे उनकी।
तो इसलिए बोलते हैं वो राधा कृष्ण की देवता की स्थापना इस वृक्ष के पास हुई थी, उसे राधा कृष्ण का पुराना मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर बोलते हैं राधा कुंड का, क्योंकि वो विग्रह राधा कुंड में से ही प्राप्त किए थे। और यहाँ पे जो वृक्ष है बोलते हैं एक वृक्ष उधर नीम का है और एक दूसरा बोले दो वृक्ष साथ में जुड़े हुए हैं, और वो वृक्ष जो जुड़े हुए हैं एक वट वृक्ष एक नीम वृक्ष इस वृक्ष के आसपास ही हैं, बोले वो एक राधा रानी को इंगित करते हैं एक श्री कृष्ण को, तो इस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। और उसके जस्ट पास ही एक झूलन स्थली है, बहुत सुंदर स्थान है, जहां पे एक वट वृक्ष में वृंदा देवी ने एक बहुत सुंदर झूला बनाया था श्री राधा कृष्ण के लिए। तो आज को आपको पूर्ण सुंदरता से वो स्थान उस रूप में नहीं दिखेगा, लेकिन एक स्थान दिखेगा जहां झूले का स्थान है, लेकिन वो झूला बनाया जिसमें कमल की 16 पंखड़ियां थी और उस 16 पंखड़ियों पे 8 सखियां और 8 उनकी सेविकाएं मंजरियां, 16 टोटल, और बीच में श्री राधा और कृष्ण विराजमान थे। और हर किसी को लग रहा था जो 16 बैठे हैं वहां पे, उनको लग रहा था कि राधा और कृष्ण हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तो ये झूलन स्थली है, तो कुछ सखियां और मंजरियां, जो 8 सखियां और 8 मंजरियां झूले के ऊपर राधा कृष्ण के आसपास बैठ गई और बाकी सखियां उनको झूला देने में सेवा में लग गई, तो वो सुंदर झूले की सेवा इस पुराने मंदिर के जस्ट पास ही झूलन स्थली पे हुई। और ये बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ पे उसी वट वृक्ष के पास एक वट वृक्ष, उसी स्थान पे जहां पे ये लीला हुई थी एक वट वृक्ष की स्थापना की गई वज्रनाभ महाराज के द्वारा। बाद में बोलते हैं वो वृक्ष तो नहीं रहा लेकिन उसकी एक शाखा को फिर से स्थापित किया गया, तो आज उस स्थान को हम इस रूप में देखते हैं। और उसके बाद ये बड़ा सुंदर मंदिर है जिसे बोलते हैं गोपाल मणिपुरी मंदिर। इसकी स्थापना 1890 में हुई, एक बड़ी सुंदर कथा है इसकी। बोलते हैं मणिपुर में एक राजा हुए जिनका नाम था चूराचंद महाराज। चूराचंद महाराज एक दिन बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और एक दिन स्वप्न में गोपाल जी उनको आए, उनके जो गोपाल के विग्रह थे वो आए और वो आके प्रार्थना किए, प्रार्थना के आदेश दिए कि आप मेरा मंदिर राधा कुंड में बनाइए और इस प्रकार से बनाना। देखिए बाल गोपाल है श्री कृष्ण और बड़े आतुर है राधा कुंड के दर्शन लेने के, बोले मेरा मंदिर ऐसे बनाओ कि मुझे हर समय राधा कुंड के दर्शन हो, बिल्कुल राधा कुंड के सामने ये विग्रह होने चाहिए, और साथ ही साथ मंदिर ऐसे बने कि जब सूर्य की पहली किरण उदय हो तो सबसे पहले वो बाल गोपाल को दर्शन हो, तो राधा कुंड के दर्शन भी हो और सूरज की पहली किरण के भी दर्शन हो, इस स्थान पे मेरा मंदिर बनना चाहिए। तो वो मंदिर यहाँ पे बनाया गया, ये आप देख सकते हैं, ऐसी स्थिति से बनाया गया कि भगवान की ये दोनों इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। उसके बाद एक ये देखिए ये मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है और इसे बोलते हैं जैसे हमने बताया गोपाल मणिपुरी मंदिर। और उसके बाद एक मंदिर है राधा कांत भगवान का। जैसे हमने बताया 7 गोस्वामी मंदिर थे और उनके अलावा 3 दूसरे मंदिर थे जिसमें राधा माधव है, राधा कांत है, तो और उसके अलावा एक और मंदिर का नाम बताया है राधा विनोद लोकनाथ गोस्वामी के। तो वो जो 7 के अलावा दूसरे 3 हैं उनमें से एक है राधा कांत। और राधा कांत मंदिर जो है वो वक्रेश्वर पंडित के विग्रह हैं जो महाप्रभु के बहुत प्रमुख एक पार्षद हुए। वक्रेश्वर पंडित की विशेषता क्या थी, जब वो कीर्तन में नृत्य करते थे वो नॉन स्टॉप इतना समय कीर्तन करते थे, एक बार तो बोलते हैं 72 घंटे तक नॉन स्टॉप नृत्य कर रहे थे कृष्ण के कीर्तन में। तो ऐसी कथाएं सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि असली आनंद क्या है, श्री कृष्ण के कीर्तन भक्ति में कैसा आनंद है उसका वर्णन सुनने को मिलता है। और आपको याद होगा एक भक्त जिनकी एक समाधि के दर्शन हमने वृंदावन में किए थे जिनका नाम है गोपाल गुरु, जिनके शिष्य पुरी में उनका अंतिम संस्कार किए, उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए स्वर्ग द्वार लेके गए थे, लेकिन वो सब होने के बाद शरीर त्याग दिया, उसके कई समय बाद गोपाल गुरु को भक्तों ने देखा था वृंदावन में। और ये गोपाल गुरु वही हैं जब एक भक्त
जो मल मूत्र त्यागने गए थे, अपना शौच आदि क्रिया करने गए थे, तो अपनी जिह्वा को पकड़े थे कि उस समय भगवान का नाम जप नहीं करना चाहिए। लेकिन ये गोपाल ने बोला, अरे भगवान का नाम कभी भी जप कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने उनको गोपाल गुरु नाम दिया था। आपको याद होगा इसके बारे में वृंदावन में वर्णन किया। तो उन गोपाल गुरु के जो गुरु हैं वो वक्रेश्वर पंडित हैं, और वक्रेश्वर पंडित के निर्देश अनुसार ये राधाकांत की सेवा उन्होंने की। इनके ओरिजिनल जो राधाकांत मंदिर हैं, विग्रह हैं, वो हमको जगन्नाथपुरी में गंभीरा में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे उनके प्रतिभू विग्रह हैं, और इनके पास ही राधा श्याम सुंदर मंदिर है और राधा दामोदर मंदिर है। जैसे हमने बताया षड गोस्वामी के प्रतिभू मूर्तियां यहाँ पे उपस्थित हैं। और इनके बाद ही एक कुंज है, जैसा एक कुंज हमने वृंदावन में दिखाया था, श्रीनिवास आचार्य का कुंज, उन्हीं आचार्य का एक कुंज राधा कुंड में भी है। श्रीनिवास आचार्य बंगाल में बहुत प्रचार किया, उनकी बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। एक अद्भुत लीला हम बताना चाहेंगे। ये लीलाएं सुन के हम समझ सकते हैं कि आचार्य किस प्रकार के तल्लीनता से, एब्जॉर्प्शन से भक्ति किया करते थे। एक बार श्रीनिवास आचार्य भगवान के नाम लेने के लिए विराजमान हो गए और समाधि में बैठ गए और ऐसे ध्यान में चले गए, पूरा दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, तीन दिन बीत गए, उस ध्यान से बाहर ही नहीं आ रहे और समझ में नहीं आ रहा कि गुरु जी ने शरीर त्याग दिया है या अभी भी शरीर में निवास कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा, बहुत चिंतित थे, क्या ये भगवान की लीला में प्रवेश कर गए हैं। और सभी शिष्यों को समझ में नहीं आ रहा था। तभी मालूम चला कि श्रीनिवास आचार्य के जो बहुत ही निकटीय शिष्य हैं, रामचंद्र कविराज, जो श्रीनिवास आचार्य को अच्छे से समझते हैं, वो उस गांव में आ गए। तो ये बात बंगाल की है। और जब ही वो इस गांव में आ गए श्रीनिवास आचार्य के, तो उनसे सबने बोला कि अरे कुछ करिए, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये अभी भी जीवित है, नहीं है, या लीला में प्रवेश कर गए हैं परमानेंट। तो रामचंद्र कविराज भी श्रीनिवास आचार्य के पास ही बैठ गए और वो भी ध्यान में चले गए, और वो भी ऐसे ध्यान में चले गए, भक्तों को समझ नहीं आ रहा क्या इन्होंने भी शरीर त्याग दिया। तो पहले एक समस्या थी, अभी दो समस्या हो गई। लेकिन हुआ क्या, रामचंद्र कविराज जब लीला में प्रवेश किए, आंख बंद करके ध्यान लगाए, तो उन्होंने देखा कि श्रीनिवास आचार्य, जो कि महाप्रभु के एक पार्षद हैं, वो कृष्ण लीला में मणि मंजरी है। कृष्ण लीला में एक मंजरी का रूप है उनका, मणि मंजरी। और श्रीनिवास आचार्य 500 वर्ष पूर्व महाप्रभु की लीला में गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं, जिन्होंने राधा रमन जी की स्थापना करी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी कृष्ण लीला में गुण मंजरी है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य श्रीनिवास आचार्य और गुण मंजरी की जो सेवक है कृष्ण लीला में, मणि मंजरी है, जो कि श्रीनिवास आचार्य बने बाद में। तो बोलते हैं लीला कुछ इस प्रकार से आती है कि मणि मंजरी अपने ध्यान में प्रवेश करी तो देखा गुणा मंजरी यमुना नदी के अंदर कुछ आभूषण ढूंढ रही हैं। उनसे पूछा क्या ढूंढ रही हैं, बोली राधा रानी का एक आभूषण खो गया है। राधा रानी ने ललिता को ढूंढने को बोला, ललिता सखी जी को। ललिता सखी जी ने गुणा मंजरी को बोला, गुणा मंजरी ने अपनी सेविका की सहायता ली और मणि मंजरी। सब लोग सेवा में रत हैं, लेकिन किसी से देखा नहीं जा रहा कि जिनकी सेवा वो करते हैं, जब वो सेवा में रत हैं तो मुझे भी सहायता करनी चाहिए। तो गुणा मंजरी जो सेवा कर रही थी ललिता सखी की, उनको सेवा में रत देखे, ये भी सेवा में लग गए। और वो ढूंढते ढूंढते बहुत समय बीत गया, मिल ही नहीं रहे। जब रामचंद्र कविराज लीला में प्रवेश किए एक मंजरी के रूप में, तो उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को मदद किया, सहायता की, और उन्होंने वो आभूषण ढूंढ लिया। अभी देखिए आभूषण तो ढूंढ लिया, सीधा जाके राधा रानी से बोल सकते थे कि देखो ये आभूषण आभूषण आपका, लेकिन वो सीधा नहीं गए, वो नम्रता से अपने गुरु को दे दिए, जो एक मंजरी, एक कन्या के रूप में मणि मंजरी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने गुण मंजरी को दे दिया, उन्होंने श्री ललिता सखी को दे दिया, उन्होंने श्री राधा रानी को दिया। और जब ये सेवा पूरी कंप्लीट हो गई, वापिस दे दिया आभूषण, उसके बाद मणि मंजरी अपने शरीर में वापिस आए और रामचंद्र कविराज भी अपना मंजरी रूप से ध्यान हटा के वापिस आए। तो बोलते हैं ये जो आचार्य है, दिखने में साधारण पुरुष दिखते हैं इस जगत के, लेकिन वो भगवान से, लीला से प्रकट हुए हुए बहुत ही विशेष भक्त हैं। तो
ऐसी बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हैं। तो ये उन श्रीनिवास आचार्य का कुंज है, राधा कुंड में रह के उन्होंने खूब भजन किया और एक विग्रह लेके बहुत सेवा करते थे, कृष्ण के विग्रह जिनको एक बैग में लेके घूमते थे, बोलते हैं अपने बीड बैग में लेके घूमते थे, इसलिए लोग इनके ठाकुर जी को बोलते थे झूला ठाकुर। तो ये बहुत सेवा श्रीनिवास आचार्य कुंज है। और इसके बाद हम देखेंगे गोपीनाथ भगवान का मंदिर है, आगे देख रहे हैं हम। अभी गोपीनाथ भगवान, ये जैसे हमने वृंदावन में ऐसे दर्शन किए थे जो मधु पंडित जी को वंशी वट के यहां से मिले थे जब ही बाढ़ आ गई थी और उसके अंदर से विग्रह प्राप्त हुए थे, तो ये वज्रनाभ द्वारा स्थापित वृंदावन के विग्रह जब यहां पे लाके गए तो उनके स्मरणीय यहां भी मंदिर बनाया गया। देखिए राधा कुंड में दो गोपीनाथ मंदिर है, एक गोपीनाथ मंदिर वो है जो वृंदावन से लाए गए थे और बाद में जयपुर चले गए तो उनके स्मरण में जो विग्रह बिठाए, और जैसे हमने बताया गोपीनाथ के जितने मंदिर मिलेंगे वृंदावन में, जनरली जो राधा रानी लेफ्ट साइड पे होती हैं, यहां पे हम देखेंगे राधा रानी राइट साइड पे हैं, क्योंकि इसका लीला हमने आपको वृंदावन में बता चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी हम उस लीला के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बात क्या करेंगे, दो गोपीनाथ मंदिर क्यों है, एक गोपीनाथ मंदिर तो षड गोस्वामी के जो मंदिर है, एक गोपीनाथ मंदिर एक्स्ट्रा है वो एक बड़े अद्भुत स्थान पे है, उनकी लीला हम आपको बताएंगे इस लीला के बाद, क्योंकि उसी गोपीनाथ मंदिर के पास मां जाह्नवा देवी का बैठक है, जैसे आप देख रहे हैं जाह्नवा देवी बैठक। जाह्नवा देवी क्यों हुई, कौन हुई, भगवान नित्यानंद जो बलराम जी के अवतार हैं, श्री नित्यानंद निताई, उनकी भार्या उनकी पत्नी के भूमिका निभाई माता जाह्नवा ने। अभी उनकी शाश्वत पार्षद हुई तो जाह्नवा देवी जब ही राधा कुंड में आई, ये तब की बात है जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पृथ्वी से जा चुके हैं और जाह्नवा माता जो है सभी वैष्णवों के लिए एक आश्रय है, तो माता जाह्नवा जब ही राधा कुंड में आई और यहां इस निवास पे बैठी बिल्कुल राधा कुंड के तट पे, इधर उसको जाह्नवा घाट भी बोलते हैं बिकॉज उसके सामने ही जाह्नवा देवी के सामने राधा कुंड के दर्शन हो रहे हैं, तो वहां पे नाम जप कर रही थी जाह्नवा देवी। तो उसी समय पीछे से उनको वंशी वादन की बांसुरी की आवाज आई, पीछे मुड़ के देखा तो भगवान गोपीनाथ, गोपियों के नाथ श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये सुंदर लीला जो इस स्थान पे हुई, उस लीला के स्मरण में जाह्नवा देवी के शिष्यों ने या उनके अनुयायियों ने इस स्थान पे एक गोपीनाथ जी का मंदिर बनाया। दूसरी लीला क्या है, ये जाह्नवा देवी कौन है, कृष्ण की लीला में ये जाह्नवा देवी राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी है, और जब कृष्ण भगवान यहां पे आए थे उस समय राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी का एक कुंज इसी स्थान पे हुआ करता था। तो जाह्नवा देवी इतने सालों बाद 4,500 साल के बाद जब यहां पे आई हैं तो उसी स्थान पे बैठ के भजन कर रही हैं, और बोलते हैं इस स्थान के नीचे एक सीढ़ी हुआ करती थी क्रिस्टल की बनी हुई, जिनके द्वारा कुंड में जाके मार्ग था अनंग मंजरी के एक बहुत ही प्राइवेट प्लेस में कुंज में जाने का। तो ऐसा वर्णन मां जाह्नवा की बैठक के पास में हुआ है, बहुत सुंदर स्थान है यहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि, ये उनका समाधि मंदिर है। उससे पहले हम देख रहे हैं एक गोविंद जी के मंदिर है, जैसे हमने बताया षड गोस्वामियों के मंदिर है, उनमें से एक राधा गोविंद, वृंदावन में हमने वो गोविंद जी के मंदिर देखे थे जिनको औरंगजेब ने ऊपर से तोड़ दिया था, जिन मंदिर का परमिशन अकबर ने दिया था, उनके प्रतिभू विग्रह यहाँ पे भी हैं, उनका बहुत सुंदर चंदन से ढका हुआ शरीर दर्शन हो रहे हैं उनके रूप के। और उनके आगे जिह्वा मंदिर है, देखिए जिह्वा मंदिर गिरिराज की वो शिला है, जब ही रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के कहने से राधा कुंड की स्थापना कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे, ऐसा पूरा एक्सकवेशन कर रहे थे और कुंड निर्माण कर रहे थे, कुंड निर्माण करते हुए तभी किसी ने, देखिए वहां पे बहुत सुंदर राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी का बड़ा सुंदर आयोजन था, तो जब ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने
देखा कि गांव के लोग बहुत सारे राधा कुंड में अपना कपड़ा धोने लगे हैं, अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं। अरे ये तो पूजनीय स्थान है। तभी उन्होंने एक सेपरेट कुआं खुदवाया जिसे गोपी कूप बोलते हैं। और जब वो कुआं खुदवा रहे थे, क्योंकि वो राधा कुंड के पास के ही क्षेत्र में था, खोदते खोदते किसी ने खोदते समय एक चट्टान पे प्रहार किया और उस चट्टान से खून निकलने लगा। तभी उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, आज के लिए ये खोदना यहीं रोक दीजिए। सब घबरा गए, कोई अपराध हो गया। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में गिरिराज जी प्रकट हुए और गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ और गिरिराज जी बोले, देखिए गिरिराज जी जो है भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। तो गिरिराज जी बोले, जिस चट्टान पे आपने प्रहार किया है वो मेरी जिह्वा है, इट इज माई टंग, और आपके प्रहार से वहां खून निकलने लगा है। आप क्या करिए, इस शिला को लेके एक अलग से मंदिर में विराजमान करवाइए। इसीलिए उसको बोलते हैं जिह्वा टेम्पल, जिह्वा मंदिर जैसा यहां लिखा है, और जिह्वा टेम्पल जिह्वा मंदिर बनाइए और रोज उसकी उपासना होनी चाहिए राधा कुंड के जल से और तुलसी के पत्र से। और बोलते हैं जो भी इस जिह्वा शिला को 7 बार परिक्रमा करेगा उसकी गोवर्धन जी की पूरी परिक्रमा मानी जाएगी। तो बहुत सारे भक्त हम देखते हैं 7 बार जिह्वा शिला की परिक्रमा करते पाए जाते हैं। इसी के साथ हम बताना चाहेंगे, जैसे आपने गोविंद जी का मंदिर देखे, उनके पास ही जिह्वा शिला है और जिह्वा शिला के पास रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है। बिल्कुल संक्षिप्त में बताऊंगा रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है। बहुत ही धनी परिवार, इतना धनी, सोने के सिक्कों से खेलते, बारिश है उनकी, बोलते हैं इतना धन जैसे देवताओं के खजांची कुबेर के पास होता है, और इनकी पत्नी मानो अप्सराओं से भी अधिक सुंदर। लेकिन फिर भी सबसे विरक्त हो गए, ये महाप्रभु की सेवा में आ गए। और जब राधा कुंड में निवास किया, देखिए पहले जगन्नाथपुरी में खूब सेवा किया महाप्रभु का। महाप्रभु के जाने के बाद विरह में रह नहीं पाए, सोच तो रहे थे अपना शरीर त्याग देंगे, लेकिन यहां पे आए, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ रहने लगे। बोले खाना इतना कम खाते थे, उनकी तपस्या कुछ इस प्रकार से थी कि महाप्रभु के जाने के बाद भोजन तो खाना, जो सॉलिड फूड छोड़ दिया, अनाज खाना, केवल फल दूध लेते थे। उसके बाद जब सनातन गोस्वामी चले गए तो केवल थोड़ा सा छास लेने लगे, और उसके बाद वो भी चले गए रूप गोस्वामी तो खाना ही छोड़ दिया। महाप्रभु के जाने के बाद इतना दुखी हो गए थे, सोच रहे थे अपना आत्महत्या कर लेंगे गोवर्धन पर्वत से कूद के, ऐसा विचार चल रहा था। रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने एक छोटे गोवर्धन शिला दिए थे और राधा रानी के एक गुंजों की माला दी थी, और वो स्मरण रखते हुए रूप और सनातन ने बोला कि आप गोवर्धन हिल में, गोवर्धन पर्वत में रहिए और रोज परिक्रमा कीजिए, और विशेष रूप से राधा कुंड पे रहिए और इस कुंड की सेवा कीजिए, और विशेष रूप से आप महाप्रभु की लीला का वर्णन कीजिए। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी इतने विरह में थे, बोले उनकी जो साधना थी वो पत्थर की लकीर के समान, दिन में हजारों तो प्रणाम दंडवत किया करते थे। ये उनका समाधि का जो है वर्णन है, बड़ा ही सुंदरता से दिया है रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है एक मंजरी है श्री कृष्ण की लीला से, जिनका नाम है रति मंजरी, और कहीं प्रकार से ये अपने अंतिम समय में राधा कृष्ण की लीला में मानसिक रूप से, चेतना के रूप से, पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाया करते थे। और इतने विरह में थे, इनको सांत्वना देने के लिए माँ जानवा यहाँ पे विराजमान हुई, क्योंकि माँ जानवा ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उन दिनों से देखा है, जब भी अपना घर छोड़ के पहली बार सुना है उनके बारे में जानवा माता ने, कि पहली बार घर छोड़ के नित्यानंद प्रभु का आश्रय लिए थे, और नित्यानंद प्रभु ने इनको महाप्रभु के पास जाने का मार्ग दर्शाया था। तो माँ जानवा ने इनके हृदय को सांत्वना दी। ये रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है। हम देख रहे हैं राधा कुंड बहुत ही इंटेंस स्थान है भक्ति का। और इनके बाद राधा रमन जी के भी मंदिर हैं और राधा गोविंद जी के मंदिर हैं, जिह्वा मंदिर दिखाया हमने आपको, और उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भजन कुटीर है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वही हैं जिन्होंने हमें बड़े ही विस्तार से चैतन्य चरितामृत
में भगवान महाप्रभु की लीलाओं को बताया है, विशेष रूप से उन लीलाओं को जो महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद हुई, और उन लीलाओं को जिसका आनंद महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में लिया, उनको विस्तार से बताया है। तो हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी को जितना कृतज्ञता व्यक्त करें वो कम है। राधा कुंड के तट पे बैठ के इन्होंने महाप्रभु के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में विस्तार से लिखा है। इनका उम्र 90 साल से भी अधिक था, लेकिन सेवा की तत्परता ऐसी थी, तो ये उनकी भजन कुटीर है। उसके बाद हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हुई। हम कृष्णदास गोस्वामी की भजन कुटीर बता रहे हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटीर भी है। यहाँ पे बहुत अद्भुत लीलाएं हैं, हम उसका वर्णन करना चाहेंगे। देखिए इस स्थान की बहुत ही अद्भुत कथाएं हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पे अक्सर नाम जप साधना किया करते थे, जैसे हम इस तस्वीर में देख रहे हैं। एक दिन श्री सनातन गोस्वामी जो पास ही विराजमान उस जगह पे भ्रमण करते हुए, परिक्रमा करते हुए आए, तो उन्होंने देखा जहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे हैं उनके पास दो बड़े बाघ जल पी रहे हैं राधा कुंड में से। उन दिनों इस प्रकार से बहुत सारे पशु दिखते थे वहां पे, तो सनातन गोस्वामी चिंतित हो गए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि इनके पास एक सुंदर बालक खड़े हैं जो एक लाठी से रघुनाथ दास गोस्वामी की रक्षा कर रहे हैं। तो जब सनातन गोस्वामी ने देखा वो कौन है, तो देखा वो साक्षात श्री कृष्ण है। कृष्ण जो है सनातन गोस्वामी की तरफ देखे, मुस्कुराए और वहां से गायब हो गए, उसी समय चले गए। तो हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन इतना तीव्र था, इतने एब्जॉर्ब थे कि भगवान स्वयं उनकी सेवा करने आ गए। एक दूसरी लीला आती है कि एक बार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ी ही धूप में भजन कर रहे थे। धूप इतनी कड़क धूप थी, बहुत गर्मी थी। सनातन गोस्वामी आ गए, सनातन गोस्वामी से देखा नहीं गया, लेकिन तभी उन्होंने देखा श्रीमती राधा रानी देख रहे हैं हम, उनके आश्रय से, उनकी साड़ी के, उनके पल्लू के आश्रय से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का शरीर ढका हुआ है। यहां तक कि श्री राधा रानी पसीना पसीना हो गई, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी इतना भजन में मग्न है, उनको ठंडक मिले इसीलिए श्री राधा रानी उनकी रक्षा कर रही थी। राधा रानी के पसीने से मानो बाजू में कीचड़ हो गया, इतना पानी, इतना जल गिरा वहां पे उनका पसीने से। और बोलते हैं जैसे ही सनातन गोस्वामी आए, श्री राधा रानी वहां से अंतर्धान, वहां से लुप्त हो गई, देख नहीं पाए। तभी सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी से बोला कि जब हम भजन करते हैं, हम भजन भगवान को सेवा करने के लिए करते हैं, भगवान से सेवा लेने के लिए नहीं। और राधा और कृष्ण बार बार आपकी सेवा करने के लिए आ रहे हैं, तो कृपया आप ऐसे खुले में बैठ के भजन मत कीजिए, आपके लिए एक भजन कुटीर बनाइए। तो हम देख रहे हैं उनकी भजन कुटीर के दर्शन, यहाँ बैठ के उन्होंने खूब भजन किया, और ताकि बार बार भगवान को आके उनकी रक्षा ना करना पड़े। और इसी में एक छोटी सी लीला और अंत में बताना चाहूंगा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रोज गौर लीला सुनाया करते थे भक्तों को। एक दिन सब भक्त सुनने आए, लेकिन ये अपने कमरे से बाहर ही नहीं आए। फिर सब भक्तों ने, कुछ लोगों ने जाके देखा क्या हुआ, तो बोले ये बहुत ही अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। तभी एक सेवक विठल नाथ करके हैं, वो भागते हुए गए, डॉक्टर को लेके आए, वैद्य को लेके आए, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अनुभवी वैद्य को लेके आए, और दो वैद्य को लेके आए। और जैसे ही वो कुटीर में प्रवेश किए, रघुनाथ जी के शरीर को एग्जामिन किया, देखा क्या समस्या है इनकी, तो सब भक्त सोच रहे थे डॉक्टर बोलेंगे ये अच्छे से खाते नहीं है, क्योंकि खाते तो लगभग कुछ थे ही नहीं। उनका शरीर भगवान के स्मरण से उनका पालन पोषण हो रहा था, भोजन तो कुछ था ही नहीं उनके लिए। तो उनको लगा डॉक्टर बोलेंगे बहुत कमजोर हो गए। लेकिन सब लोग आश्चर्यचकित रह गए जब वैद्य ने बोला कि देखिए, दोनों वैद्य ने बोला कि इनकी समस्या क्या है, इन्होंने अत्यधिक खा लिया है, कोई भारी चीज खाई है जैसे खीर या रबड़ी। तो जब ऐसा कुछ खाया है, बोलते स्वीट राइस लिखा है यहाँ पे, ऐसा कुछ खाया है। भक्त सोचे ऐसा कैसे संभव है, कितने समय से तो ये लोग ये केवल छाछ पे जीते हैं, कुछ खाते ही नहीं। तो जब इस प्रकार से चल रहा था, कुछ विशेष खाते नहीं है ये, तो
तभी रघुनाथ दास गोस्वामी असली रहस्य बताए। बोलते हैं वो ठाकुर जी की लीला पे ध्यान कर रहे थे और लीला में उन्होंने ठाकुर जी के लिए बहुत स्वादिष्ट भोग अर्पण किया था, स्वादिष्ट खीर अर्पण की थी और लीला के ध्यान में, देखिए सामने स्थूल शरीर से कुछ नहीं खा रहे हैं, लीला के ध्यान में उन्होंने अर्पण किया और वो भोग खाया, वो प्रसाद खाया, प्रसाद को ऑनर किया, प्रसाद का सम्मान किया। लेकिन बोलते हैं ठाकुर जी के प्रसाद में ऐसी सुगंध थी, जब वो प्रसाद ग्रहण किए उन्होंने थोड़ा अधिक खा लिया। ये सब ध्यान में चल रहा है, लेकिन उस ध्यान का प्रभाव इतना गहरा था वो उनके शरीर पे पड़ा और उसकी वजह से वो बीमार हो गए। सब भक्त ये लीला सुन के इतने प्रसन्न हुए, बोले हम किनके साथ रह रहे हैं, एक नित्य सिद्ध भक्त के साथ रह रहे हैं जो हर समय कृष्ण की लीला में ही रहते हैं, वो तो हमारे लिए इस जगत में आए हैं। तो ये हुए रघुनाथ दास गोस्वामी। जैसे मैंने बता चुका हूं वो भगवान की लीला में रति मंजरी हैं, और जो भगवान की लीला के इस स्थान पे हैं, जैसे पहले बताया है जो जितना ऊंचा होता है उतना ही नम्र रहता है। रघुनाथ दास गोस्वामी की रोज की साधना क्या है, कम से कम 1,00,000 भगवान के नाम का जप और साथ ही साथ हजारों बार तो दंडवत, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रणाम्स, वैष्णवास को, भक्तों को प्रणाम, और साथ ही साथ प्रतिदिन राधा कुंड की परिक्रमा करना, व्रजवासियों को प्रणाम करना, तीर्थ यात्रियों को प्रणाम करना, और साथ ही साथ रघुनाथ दास गोस्वामी ने 3 बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं, व्रज विलास तव दान के लिए चिंतामणि और मुक्त चरित। तो ये सुंदर लीलाओं का वर्णन जो हुआ ये भजन कुटीर में हुआ। देखिए हम राधा कुंड के जो दर्शन कर रहे हैं कितना तीव्र भक्ति का स्थान है, कैसे एब्जॉर्प्शन का स्थान है, कैसी तल्लीनता का स्थान है। तो यहाँ दर्शन करते हुए हम ऐसी भावना कर रहे हैं कि हमारी भक्ति में भी थोड़ा ध्यान से कर सके, थोड़ी तीव्रता आ सके। तो इन्हीं सब तत्वों पर चिंतन करते हुए हम कल राधा कुंड की परिक्रमा आगे करेंगे। आज के लिए यहीं आराम देते हैं। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा कुंड धाम की जय। श्री श्याम कुंड धाम की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। हरे कृष्णा।